सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ तुम्हारे लिए बहुत सारे अनोखे फैक्ट्स। तो हर बार की तरह आज के भी कुछ ऐसे फैक्ट्स होने वाले जो कि तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता होंगे। अब सबसे पहले तुमको क्या करना है, पहले तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर तुमको जल्दी से अगला पार्ट चाहिए फैक्ट सीरीज का तो एम करते हैं 7000 लाइक्स के लिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आई एम पोकेट्यूबर, लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके फॉलो कर लेना। अब वीडियो फाइनली स्टार्ट करते हैं हम। फैक्ट नंबर वन गाइस, तुम लोग को पता ही होगा हमको पोकेमोन एनिमे के अंदर जब भी कोई पोकेमोन अटैक करता है तो उसको मतलब काफ़ी सही अटैक दिखाया जाता है, कुछ बेकार तरीके से नहीं दिखाया जाता। लेकिन यार वही अटैक अगर असली में होंगे, वो पोकेमोन असली में करेंगे तो कैसा लगेगा, वो तुम इन पोकेमोन कार्ड्स में देख सकते हो भाई। एसिड अटैक देखो यहाँ पर, और भी इतने सारे अटैक्स हैं, तुम इनको देख सकते हो। तो तुम सोच सकते हो भाई असली में अगर पोकेमोन होंगे और वो अटैक किया करेंगे तो ये अटैक भी कितने डरावने लगेंगे। फैक्ट नंबर टू गाइस, के तुम लोग को पता है कैंटो वाले गेम्स में जिस रेड को अभी हम लोग जानते हैं, ये पहले कुछ ऐसा नहीं होने वाला था, ये पहले कुछ ऐसा होने वाला था। तुम देख सकते हो पहले इसकी एज बहुत ज़्यादा होने वाली थी और इसके हाथ में एक हंटर रखा गया था जिससे कि भाई मार मार के ये अपने पोकेमोन को टेम करेगा। बट फिर पोकेमोन वालों ने पोकेमोन को थोड़ा किड फ्रेंडली बनाने का सोचा, इसी वजह से उन्होंने रेड को चेंज कर दिया और ऐसा बना दिया 10 साल का बच्चा। फैक्ट नंबर थ्री गाइस, पोकेमोन जर्नीज के एक एपिसोड में जहाँ पर ऐश और गोउ जो है सिनो के एक विलेज में जाते हैं, वहाँ पर यार हमको जो विलेज देखने मिलता है वो कुछ ऐसा दिखता है, तुम लोग देख सकते हो। और तुमको बता दूँ ये एक रियल जगह है जापान में, और यार अब तुम लोग ये रियल जगह की इमेज देख सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम भाई पोकेमोन वालों ने इसी को देख के बनाया है भाई वो सिनो का विलेज। और ये बता दूँ ये जगह होकाइडो में, होकाइडो का नाम तुमने सुना ही होगा कुछ पॉपुलर एनिमेज में। फैक्ट नंबर फोर गाइस, पोकेमोन गेम्स में काफ़ी सारे हमको ट्रेनर्स मिलते हैं जिनसे हम बैटल करते हैं। अब यार वो हमारे लिए सिर्फ टाइम पास होते हैं, हम उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लेकिन पोकेमोन वाले यार उन पर भी एकदम अच्छे से ध्यान देते हैं और उनको बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह रखते हैं। यानी कि पहले हमको जो ट्रेनर्स रहते हैं वो बच्चों की तरह दिखाए जाते हैं, आगे चल के यार वही हमको बड़ों की तरह दिखाए जाते हैं, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि वो भाई बच्चों से अब बड़े हो चुके हैं। फैक्ट नंबर फाइव, अब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तुम लोग को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि जो जनरेशन वन के लेजेंडरीज हैं आर्टिकूनो, जैपडोज और मॉल्ट्रेस, उनके एंड में जो आता है वो स्पैनिश नंबर्स हैं, यानी कि ऊनो, डोज और ट्रेस। तो यार ये स्पैनिश में नंबर्स हैं, ऊनो का मतलब वन, डोज टू और ट्रेस थ्री। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया इसके आगे जो लेजेंडरीज आए हैं जोटो में, उसमें सबसे पहले आता है रायको, जिसके अगर तुम ये देखो ये पॉइंट देख रहे हो तुम लोग, ये चार पॉइंट हैं। इसके बाद एंटे, यहाँ पर तुम लोग गिन सकते हो 5 पॉइंट हैं। इसके बाद सुइकून, यहाँ पर तुम लोग गिन सकते हो ये 6 पॉइंट हैं। और यार इसके बाद फिर होएन में जब हमको रेजी ट्रायो इंट्रोड्यूस करवाए गए तो उनके फेस पे 7 डॉट्स बने हुए थे, क्योंकि जोटो में 6 पे जाके खत्म हो गया, फिर इन तीनों के फेस पे भाई 7 डॉट्स बने हुए थे। फैक्ट नंबर सिक्स गाइस, के तुम लोग को पता है पोकेमोन के जो राइटर थे ताकेशी सुडो, वो पोकेमोन को फर्स्ट मूवी के बाद से कंटिन्यू ही नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि वहीं पे ख़त्म हो जाए पोकेमोन। पर जब वो लूगिया वाली मूवी बनने लग गई तब वो काफ़ी परेशान हो गए और सोच रहे थे कि अब क्या करें, मतलब उनको पोकेमोन बिल्कुल भी नहीं कंटिन्यू करना था। फिर उन्होंने जल्दी से पोकेमोन के डायरेक्टर को कॉल लगाया और अपने घर पे बुलाया और उनसे पूछा कि तुम पोकेमोन और कितने साल चलाना चाहते हो, और उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी 10 साल तो चलाना ही है। तो तभी ताकेशी सुडो ने कहा कि मेरी लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा और 2 साल है, क्योंकि यार ताकेशी सुडो को यही लगता था कि अगर वो ऐश पर ऐसे स्टोरी बनाते जाएंगे तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा और रिपीटेटिव हो जाएगा, इसीलिए वो चाहते थे कि या तो कोई नया कैरेक्टर आ जाए जिसके ऊपर हम एक नई सी स्टोरी बनाएं। लेकिन नहीं भाई, पोकेमोन वालों ने ऐश के साथ ही कंटिन्यू करा, और यार फिर इसीलिए ताकेशी सुडो जो है 2 साल और पोकेमोन के हेड राइटर रहे, यानी कि 2002 तक, फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। फैक्ट नंबर सेवन गाइस, पोकेमोन हंटर गो को तो सब लोग जानते होंगे, तो क्या तुम लोग को पता है भाई ऐश इतने रीजन घूम के अब तक इतने पोकेमोन नहीं पकड़ पाया जितने गो ने इतने टाइम में ही पकड़ लिए हैं। गो के पास अभी करंटली 87 पोकेमोन्स हैं टोटल। यार पता नहीं है गो कब रुकेगा भाई, किसी पोकेमोन को तो छोड़ दे किसी और ट्रेनर के लिए। फैक्ट नंबर एट गाइस, पोकेमोन स्टेडियम गेम के अंदर इलेक्टाबस पोकेमोन को गलती से 5 की जगह 6 उंगलियां दे दी हैं, तुम लोग यहाँ इस इमेज में देख सकते हो और गिन सकते हो भाई, एक ज़्यादा उंगली दे दी इसको। फैक्ट नंबर नाइन गाइस, हम सबको अच्छे से पता है कि ऐश ने आज तक अपने किसी भी पोकेमोन को एवर स्टोन नहीं पकड़ाया, जो कि भाई एक ऐसा आइटम होता है जिससे पोकेमोन कभी इवॉल्व नहीं होता। लेकिन क्या तुमको पता है सन एंड मून सीरीज के अंदर ऐश के राउलेट ने खुद से ही एवर स्टोन को निगल लिया था, इसका मतलब है कि भाई शायद राउलेट कभी भी इवॉल्व नहीं होने वाला। फैक्ट नंबर 10 गाइस, के तुम लोग को पता है इतने सारे पोकेमोन गेम्स में से सबसे ज़्यादा बिकने वाला पोकेमोन गेम पोकेमोन का फर्स्ट गेम ही था, पोकेमोन ब्लू और पोकेमोन रेड, और सबसे कम बिकने वाले पोकेमोन गेम है पोकेमोन ब्लैक 2 और पोकेमोन व्हाइट 2, जिनकी सिर्फ 8 मिलियन कॉपीज बिकी थी, और वहाँ पर पोकेमोन रेड और ब्लू की 31 मिलियन कॉपीज बिकी थी।
फैक्ट नंबर 11, गाइस पोकेमॉन डिजाइनर केन सुगिमोरी, इन्होंने काफी सारे पोकेमॉन्स को डिजाइन किया है, तो इन्होंने बताया कि इनको सबसे ज्यादा बनाने में बेकार पोकेमॉन लगा था वीनसॉर, मतलब इनके लिए वीनसॉर बनाना बहुत ज्यादा हार्ड रहा था और काफी इरिटेट हो गए थे उससे। नंबर 12, गाइज हमको पोकेमॉन एनिमे के अंदर काफ़ी सारी अलग अलग और इलॉजिकल चीज़ें देखने मिलती हैं, उन्हीं में से एक चीज़ हमको देखने मिली थी होएन के एक एपिसोड में, जहां पर हमको एक बूढ़ा ट्री को देखने मिला था। अब यार हम सब तो यही सोचेंगे कि यार उसको सेप्टाइल वाले स्टेज में जाके बूढ़ा होना चाहिए था, मतलब अपने फर्स्ट स्टेज में वो कैसे बूढ़ा हो सकता है, तो भाई ये चीज़ बिल्कुल ही इलॉजिकल है, पता नहीं भाई क्या हुआ था इस एपिसोड में। फैक्ट नंबर 13, गाइस जैसे कि हम जानते हैं इवॉल्व होने के बाद से चार्मेंडर पोकेमॉन ने ऐश की बात मानना छोड़ दिया था, तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि अगर तुम देखो स्टार्टर चुनते टाइम प्रोफेसर ओक चार्मेंडर के टाइम पे ये बोलते हैं कि इस पोकेमॉन को रेस करना, इसको लेवल अप करना, इसको बड़ा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इस चीज़ को देख के ऐसा लगता है कि सिर्फ ऐश के चार्मेंडर के साथ ये नहीं हुआ था, जितने भी चार्जर ट्रेनर्स होते हैं सबके साथ भाई कभी ना कभी ये हुआ था, क्योंकि इस पोकेमॉन को रेस करना मुश्किल ही है। और वहीं अगर तुम बल्बसॉर के टाइम पे पढ़ोगे तो वहाँ बताते हैं कि बहुत ईजी है इसको ट्रेन करना। फैक्ट नंबर 14, गाइस फारफेच्ड और लैप्रेस ये कुछ ऐसे पोकेमॉन है जो कि अब काफ़ी रेयरली बचे हैं पोकेमॉन वर्ल्ड में, यानी कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये पोकेमॉन एक्सटिंक्ट हो जाए पोकेमॉन वर्ल्ड से। फैक्ट नंबर 15, गाइस ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में आता है कि पोकेमॉन का लाइफ स्पैन कितना होता है, वो कितने साल तक जीते हैं, तो देखो इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता बिल्कुल हमारे रियल एनिमल्स की तरह, जैसे कि ऑनिक्स की पोकेडेक्स एंट्री में लिखा है कि ये 100 साल तक जी सकता है, तो हो सकता है कि सारे स्नेक पोकेमॉन जो है वो 100 साल जीते हों, और एप्सोल के में भी लिखा हुआ है कि ये भी 100 साल जीता है। फैक्ट नंबर 16, गाइज अगर तुम लोग पोकेमॉन के वॉल्क्रोनर को देखोगे जो कि सिनोरिजन का एक जिम लीडर है, और दूसरी तरफ नारुतो के नामिकाजे को देखोगे मिनाटो नामिकाजे जो कि नारुतो का डैड है, तो भाई तुम लोग देखो कितने ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं ये दोनों। फैक्ट नंबर 17, गाइस के तुम लोग को पता है ग्रेनजा का जो नाम है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक है ग्रेनॉयल जिसका मतलब यार फ्रेंच में होता है फ्रॉग, यानी कि वही भाई मेंढक जिस पे बेस्ड है ग्रेनजा, और एक वर्ड है निंजा जो कि पता है भाई इसको निंजा की तरह बनाया गया है, तो इससे भाई मिलके बना हुआ है ग्रेनजा। फैक्ट नंबर 18, गाइस मैजिक कार्प के पोकेडेक्स में लिखा हुआ है कि वो स्प्लैश अटैक करके पहाड़ों को पार कर सकता है, तो चलो यार एक बार के लिए हम लोग मान लेंगे, लेकिन भाई एनिमे में हमको इससे भी ज़्यादा दिखा दिया गया, गो का जो मैजिक कार्प है वो स्प्लैश अटैक करके स्पेस में पहुंच गया भाई, अर्थ से भी बाहर निकल गया। फैक्ट नंबर 19, गाइस के तुम लोग को हिसुई रीजन के बारे में पता है, वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा पर जिनको भी नहीं पता बता दूं, ये पोकेमॉन का एक नया रीजन है जो कि हमको पोकेमॉन लेजेंड आर्केस गेम जो आने वाला है अगले साल उसमें देखने मिलने वाला है, ये बेसिकली ओल्ड सिनो है, जैसे हो सकता है कि सिनो का पुराना नाम ये हो फिर बाद में बदल दिया गया हो। नंबर 20, तो आज फिर से नंबर 20 जो है ये कोई भी फैक्ट नहीं है, इस इमेज को यार ध्यान से देखो और तुम लोग बताओ कि इसमें से कौन सा पोकेमॉन अलग लग रहा है, जिसने सबसे पहले देखा और कमेंट किया भाई उसका कमेंट मैं करने वाला हूँ पिन। वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, मिलेंगे तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।